जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड फोन, यानी कि बेस्ट एंड्रॉइड वन डिवाइस। देखना इस वीडियो को, और आने वाले टाइम में मे भी अगस्त एंड तक आपको शायद न्यूज मिल सकता है एमआई A4 के लिए। कोई रूमर्स नहीं है, क्योंकि भाई कुछ बंदे तो जनवरी यानी 2020 जनवरी से ही वीडियो बनाते आ रहे हैं यूट्यूब पर। अब यूट्यूब देख लो, ट्विटर खोल कर देखो, बहुत सारा पोस्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा हिंट्स मिला है कहीं ना कहीं। तो जब थोड़ा सा डिटेल्स मुझे पकड़ में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर लेके आऊंगा वीडियो। सबसे पहला जो आता है हमारा प्यारा सा MI A3। मैं फिर से प्यारा सा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये बजट के अंदर आता है और छोटा सा फोन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया फोन है और प्रीमियम लुक देता है। मैं भी थोड़ा सा डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर 720p के वजह से थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक ठाक सा है। अगर आपको नेक्स्ट कोई देखते हो, नोकिया की तरफ जाते हो, 8.1 अगर आप चेक करते हो नोकिया के, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 710 तो मिल जाता है, साथ ही साथ आपको 6.18 इंच का मिल जाता है, क्योंकि नोकिया का फोन सब छोटा साइज का होता है। बाकी यहाँ पे कैमरा को लेके थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि 12 MP और 13 MP नोकिया का कैमरा मैंने देखा हूँ, इतना खास नहीं है। अगर आप बात करते हो नोकिया के एक और डिवाइस 2.3, नोकिया 2.3 जो कि आपको प्राइस के मामले में बहुत बढ़िया 8000 के अंदर अंदर आएगा, आप उसको लेके ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको मीडियाटेक हेलियो A22 देखने को मिलेगा और 6.2 इंच का डिस्प्ले साइज है। बाकी 4000 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल जाता है। कैमरा के मामले में वही है जो कि रियर कैमरा आपको 13 MP देखने को मिलता है। अब बात आता है कि मोटरोला, अगर आप चाहते हो मोटरोला की तरफ जाने के लिए, मोटरोला वन माइक्रो नाम से एक डिवाइस है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन नहीं मिलता, इसके अंदर मीडियाटेक हेलियो P70 मिलता है। 6.2 इंच का डिस्प्ले है इसके अंदर। आपको अगर कैमरे की बात करें, मोटरोला की बहुत बेकार रहा मेरे साथ, जो कि वन फ्यूजन प्लस मैंने परचेज किया था और कैमरा के मामले में बहुत दिक्कत हुआ, फिर मैंने उसको सेल कर दिया। मोटरोला के और बढ़िया फोन है, अगर आपको ले सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट बजट थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब मोटरोला एज प्लस जो कि 74,999 लगभग 75,000 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 है और 6.7 इंच का इसके अंदर डिस्प्ले है और 108 MP भाई रेयर कैमरा जो है 108 MP है। बहुत बढ़िया DSLR की जरूरत नहीं है, 5000 mAh की बैटरी रहेगा। ये भी स्टॉक एंड्रॉइड में है। पहले बताओ 75,000 रुपये देखिए कोई फ़ोन खरीदता होगा? हाँ भी यार लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और फोन है मोटरोला का, मोटरोला वन एक्सल, क्योंकि ये जो है ना ओपन सोर्स में काम करते हैं, तो इसलिए ये अपना कुछ खुद का नहीं निकालते, ये चाहते हैं कि हम किसी और से प्रोडक्ट बनाए, जैसे लेनोवो के थ्रू बन रहा है इसका, और लेनोवो का हैंडसेट हो गया, एक नाम हो गया, एक ब्रांड मोटरोला, क्योंकि पुराना था। लेनोवो लेने के बाद फिर अब उस चीज को बंद करना नहीं चाहता, क्योंकि एक जो उनका ब्रांड आता है तो उसको इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मोटरोला, लेनोवो से ज्यादा मोटरोला फोन बिकते हैं, बट मोटरोला का कोई मैन्युफैक्चरर यूनिट नहीं है। मेरे मोटरोला वन फ्यूजन प्लस बेचने का यही एक रीजन था। मैंने 2-3 दिन पहले ही ट्राई करता रहा, जैसे मैंने फ़ोन लिया और उसमें कैमरा का इशू आया, ट्विटर पर 2-4 पोस्ट किया, वहाँ पे कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं आया, और साथ ही साथ मैंने ऑफलाइन में कोशिश किया ट्राई करने के लिए कि इसके कस्टमर सर्विस कौन देता है, सब ने मना कर दिया, ना कोई स्टोर मुझे मिला, सब ने मना कर दिए। ये ऑनलाइन में ही काम करता है, हवा में, चाइना में फ़ोन बनता है और इंडिया में आ जाता है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है चाइना से ही उसने गूगल से टाइप करके सॉफ्टवेयर ले लेता है, सॉफ्टवेयर इशू आता तो गूगल अपना आप देखता, और हार्डवेयर वगैरह सब जो कि बाकी बॉडी वगैरह सब इसका लेनोवो के थ्रू बनता है, सिर्फ ब्रांडेड मोटरोला। भाई क्या कर रहे हैं यार, उसको लेके मैं समझ नहीं पा रहा। अगर कोई भी खराब हुआ कुछ हुआ कहाँ जाएंगे, जिसके पास जाएंगे भी वो टाइम लगाएगा, डिले करेगा। ये 100% लिख देता हूँ, जितने सारे फोन ये परचेज कर रहे हैं जो हाइप करके फ्लिपकार्ट से बिक रहे हैं, ये बहुत परेशानी में क्रिएट होगा, क्योंकि पीछे की तरफ ना अगर हल्की पुल्की लगा कर 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 से आती है, मतलब ऐसे लगे कि प्लास्टिक का डब्बा है। बाकी आप लोगों के दिमाग में अगर चलता है कि हाँ यार फोन मुझे लेना चाहिए मोटरोला वन फ्यूजन प्लस, आप दो चैनल के बारे में बता रहा हूँ, आप जाके उनको विजिट कर सकते हो। एक तो हो गया टेक फॉर ट्यूबर हमारे अलग भाई, एक हो गया मदन गायकवाड़, ये दोनों बनाते हैं, और साथ ही साथ अपने एंड्रॉयड यानी कि नमन भाई भी बनाते हैं इस डिवाइस के ऊपर। आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, ये अगर उनसे भी सवाल कर सकते हो कि फ़ोन आपके लिए सही होगा कि नहीं, क्योंकि वो प्योर स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, यानी कि MI एंड्रॉयड वन फ़ोन नहीं है। यही था यार 4-5 फोन जो है, अगर आपको लेना चाहिए आप कहीं ना कहीं विजिट कर लो,
लोकल स्टोर में भी देखने को मिल जाएगा। और बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नमस्कार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।